सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक न्यू इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे बताऊंगा, जिस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को सेंड मनी करने में पैसे मिलेगा। हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुना, आप लोग को सेंड मनी करने के बदला में आप लोग को हर महीने में 85 रुपीज करके कैशबैक मिलेगा। तो उसी 85 रुपीज को लूटने के लिए आप लोग को 2 से 3 टर्म्स एंड कंडीशन मेंटेन करना होगा। एक नंबर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप लोग को मिनिमम 3 डेज ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करना होगा, यानी 3 दिन ट्रांजेक्शन आप लोग को करना होगा, उसके बदला में आपको 10 रुपीज फ्लैट कैशबैक मिलेगा। उसके बाद कंटिन्यू 7 दिन ट्रांजेक्शन करना होगा, उसके बदला में आप लोग को 15 रुपीज मिलेगा। उसके बाद 15 डेज यानी 15 दिन आप लोग को कंटिन्यू ट्रांजेक्शन करना होगा, उसके बदला में आप लोग को 20 रुपीज फ्लैट कैशबैक मिलेगा। उसके बाद आप लोग को 30 डेज कंप्लीट करने के बदला में फ्लैट 40 रुपीज कैशबैक मिलेगा। टोटल कुल मिला के आप लोग को 85 रुपीज प्रॉफिट होगा। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, आप इस वीडियो फर्स्ट टू एंड तक बने रहे। सबसे पहले गाइस, मेरा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को क्लिक करना होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक पे जैसे क्लिक करिए, उसके बाद आप लोग को मीटवाइट बोल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। मीटवाइट एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को सामने एप्लीकेशन का होम पेज देखने को मिलेगा। देन आप लोगों को एलो पे क्लिक करना होगा, आप लोग इसमें मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। साइन अप का जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूं, एकदम इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही आप लोगों को ऑफर के बारे में बता देता हूं। इसमें मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर फिल करिए जिस मोबाइल नंबर के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है, वही मोबाइल नंबर फिल करके। अच्छा, आप कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अकाउंट को बनाना होगा, केवाईसी कंप्लीट करना होगा, कोई भी फेक पैन कार्ड डिटेल्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि रियल पैन कार्ड डालिए। ओके, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप लोग को गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद आप लोग को वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को सामने एप्लीकेशन के अंदर पैन कार्ड नंबर पूछेगा। जैसे गाइस आप देख सकते हो, पर्सनल पैन नंबर पूछेगा इसमें, तो आप लोग को पैन कार्ड डिटेल्स इसमें फिल करना होगा। आप रियल पैन कार्ड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें फिलअप करोगे, पैन कार्ड आदमी का नेम और बैंक नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें आप लोगों को सामने दिखा देता हूं। पैन डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग को बिजनेस के बारे में पूछेगा, तो आप लोग को करना क्या है, आई डू ओन ए बिजनेस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नॉट ए बिजनेस पे क्लिक करना। नॉट ए बिजनेस पर जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को बैंक डिटेल्स सेटअप करने के लिए बोलेगा, इसमें देख सकते होगा ही। उसके बाद आपके पास पेटीएम, एयरटेल जो भी बैंक डिटेल्स है, जिस आदमी का नाम का पैन कार्ड डाला था उसी आदमी का नाम पे जो बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स इसमें फिल कर दीजिए। चलिए इसमें आप लोगों को सामने फिल कर देता हूं। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सामने इस प्रकार का कुछ एप्लीकेशन का होम पेज देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, जो फायर वाला जो ऑप्शन देख सकते हो, आप लोगों को सामने फायर वाला लोगो देखने को मिल रहा है, तो इसी फायर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को सामने टोटल कैशबैक एंड ऑफर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सामने फायर का थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा कि 0 डेज स्ट्रेट, लोगों को सामने ऑफर का डिटेल्स इसमें को देखने को मिल रहा है। 3 दिन आप मनी सेंड करोगे तो उसके बदला में आप लोगों को 10 रुपीज मिलेगा, 7 दिन 15 रुपीज, 15 दिन 20 रुपीज मिलेगा, 30 डेज आप लोगों को 40 रुपीज मिलेगा। तो इसी प्रकार में आप लोगों को ऑफर का बैनर देखने को मिल जाएगा। अकाउंट में ऑफर का बैनर शो नहीं होगा तो आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा। एंड एक एक दिन ट्रांजेक्शन करने के बदला में आप लोगों को 1 डे 2 डे 3 डेज इसमें दिखाई देगा, ठीक है। अब भी आप लोग को करना क्या है, इस एप्लीकेशन थ्रू ट्रांजेक्शन करना होगा। ट्रांजेक्शन आप किस प्रकार से करोगे, ट्रांजेक्शन करके ऑफर को लूटने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैसेज जो आइकॉन देख सकते हो इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद साइड करना, साइड करने के बाद रिसीव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। इसमें आप लोगों को सेंट देखने को मिलेगा, चेक देखने को मिलेगा, पे देखने को मिलेगा, तो रिसीव पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। रिसीव पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, वो जो मी वॉलेट एप्लीकेशन की तरफ से। तो ये जो QR कोड है, इसी QR कोड को सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद एक बार बैक करना। बैक करने के बाद आप लोगों को फिर से एक बार बैक करना होगा। अभी आप लोगों को पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना होगा, या फोन पे आप कोई भी एप्लीकेशन थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सामने पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू करके दिखा देता हूं। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद स्कैन एंड पे पे क्लिक करना, एंड वो जो QR कोड आप स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसी QR कोड पे आप लोग को पेटीएम एप्लीकेशन के तहत या फोन पे या गूगल पे कोई भी एप्लीकेशन के तहत उसी QR कोड पे आप लोग को 100 रुपीज सेंड करना होगा। आपको पैसा का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं लाइव प्रोसेस करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग स्कैन करके उसी QR कोड पे 100 रुपीज सेंड करना होगा। चलिए इसमें आप लोगों को सामने कर लेता हूं। 100 रुपीज सेंड करने के बाद आप लोग को एक बार मिनिमाइज करना होगा, देन आप लोग को उसी मीओट एप्लीकेशन के अंदर विजिट करना होगा। जैसे गाइस आप देख सकते हो, मैं 100 रुपीज पे किया था, तो आप लोग को सामने इंस्टेंट मेरा 100 रुपीज इसमें ऐड हो गया। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, अब भी आप लोगों को एक मर्चेंट का जरूरत है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आपके पास जो भी मर्चेंट है कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। जैसे गाइस मेरे पास पेटीएम का मर्चेंट है, तो मैं पेटीएम मर्चेंट पे सेंड करूंगा उसी एप्लीकेशन थ्रू, ठीक है। चलिए इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, मीवेट एप्लीकेशन ओपन करना होगा। उसके बाद आप लोग को मैसेज पे क्लिक करना होगा, देन आप लोग को अभी पे करना होगा। पे पे कैसे क्लिक करोगे, नीचे आप लोग को एंटर नेम, मोबाइल नंबर, UPI ID देखने को मिलेगा, तो आप लोग को इसमें क्लिक करने का जरूरत नहीं है। आप लोग को स्कैन QR कोड पे क्लिक करना होगा, देख सकते हो बाजू में जो है, आप देख सकते हो। स्कैन QR कोड पे क्लिक करने के बाद आप जो पेटीएम या गूगल पे या फोन पे का जो QR कोड स्क्रीनशॉट लिया था, उसी QR कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन QR कोड पे मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हो मैं आप लोग को सामने पेटीएम का जो QR कोड में
स्क्रीनशॉट लिया था उसी क्यूआर कोड पे मैं आप लोगों को सामने 100 रुपीज सेंड कर देता हूँ। देख लो गाइस, मैं इस मी वाइट एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले ऐड किया था 100 रुपीज पेटीएम एप्लीकेशन या फोन पे एप्लीकेशन थ्रू। उसके बाद ये जो मी वाइट एप्लीकेशन के अंदर जो 100 रुपीज ऐड हुआ उसी 100 रुपीज में कोई दूसरा एक मर्चेंट पे सेंड कर दिया। उसके बदला में आप लोग को एक दिन का जो ट्रैक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं फायर ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें 0 था, अभी हो गया 1 डे। आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन जब भी हो जाएगा, यानी रेगुलर आप लोग को 3 दिन करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, उसके बदला में आप लोग को 3 दिन का जो पैसा 10 रुपीज आपको मिल जाएगा आपको अकाउंट्स में, जो कि टोटल बैलेंस में देखने को मिलेगा। जैसे टोटल बैलेंस में देखने को मिलेगा उसके बाद फिर से आप लोग को ये जो इनवाइट पे क्लिक करना होगा, पे पे क्लिक करके जिस तरीका से आप किया था उसी तरीका से तुरंत निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रेफर एंड अर्निंग सिस्टम के बारे में मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दूंगा। मस्ट टू मस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन किया करो। चलिए इस मिलते फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमें दी चीज आ जाता, गुड बाय, टेक केयर।